हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम एमपी पटवारी में कंप्यूटर और जो सामान्य प्रबंधन एंड जनरल मैनेजमेंट है उसका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो कल हमारे मैनेजमेंट की फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर था, जहां पे मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस की। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दे रहा हूँ, और यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आज का ये सेकंड लेक्चर है और मैं उससे आगे की बात करने वाला हूँ। कल हमने जनरल सिलेबस डिस्कस किया हुआ था, और सामान्य प्रबंधन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है वो हमने देखी थी, प्रबंधन की विशेषता, टीचर ऑफ मैनेजमेंट, ये कल हमने पूरा कवर किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने वाले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की या प्रबंधन की चार मुख्य विशेषताएं होती है, चार मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट। हमें क्या करना है, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, कम एफर्ट लगाना पड़े और रिजल्ट हमें ज्यादा मिल पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है, क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो यदि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और गोल को हमें अचीव करना है, तो हमें ये चीज पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें हमारे पास जो रिजल्ट होना चाहिए वो मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त हो, और हमारे जो इफर्ट लगने वाले हैं वो मिनिमम इफर्ट लगने चाहिए। अब इफर्ट की जब हम बात करें, तो इफर्ट मतलब हमारे भाई संसाधन की बात हो रही है, कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है, फंड कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, ये सभी को हम एक ऑप्टिमाइज लेवल पे, ऑप्टिमाइज मतलब जितना अधिक से अधिक उसको हम इस्तेमाल कर पाए उतना अच्छा हम उसे इस्तेमाल करेंगे, और उसको इतने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो जो कि हमारा रिजल्ट होगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम जो भी कैपेसिटी है वो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट को प्राप्त करना। और इसे हम कैसे करते हैं, हम लोगों को एक चैनल पे लेके आते हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उन्हें एक रिसोर्स दिया जाता है, उन्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, बजट दिया जाता है, और हम उससे इस प्रकार से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त हो। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों की दक्षता में वृद्धि। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो फैक्टर मतलब प्रोडक्शन किसे किसे करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास मेन मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, ये 5 M होते हैं जो कि मेन रिसोर्सेज होते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इन सबसे मिलकर हम प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, हम कुछ ना कुछ उत्पादन का कार्य करते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी हमारे प्रोडक्शन के कारक हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, उन्हें हमें इंक्रीज करना है। तो ये कैसे इंक्रीज होंगे, वही हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो फैक्टर है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए। दैट इज आवर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। कमिंग विथ थर्ड ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए अधिकतम समृद्धि। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसके यहाँ पे हम जाते हैं, वर्क करते हैं, एम्प्लॉय कार्य करता है जो काम करता है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो काम, जो रोजगार दे रहा है और जो रोजगार में लग रहा है, जिसको रोजगार चाहिए, दोनों की मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, दोनों को इक्वल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर को बेनिफिट हो या एम्प्लॉय को बेनिफिट हो, यदि ऐसा केस होगा तो ज्यादा देर तक वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये होगा कैसे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कैसे खुश होंगे, दोनों कैसे मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या देता है हमारे, हमको रिसोर्सेज देता है। एम्प्लॉयर के पास रिसोर्सेज है, वो उसके पास बजट होगा, टाइम होगा, मशीन होगी, एक मटेरियल होंगे, कुछ एक गोल होगा, ये उसके रिसोर्सेज होगा। अब एम्प्लॉय को इसने प्रोवाइड किए हुए हैं, एम्प्लॉय आता है उसमें वर्क करता है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी इस प्रकार से काम करता है, मैनेज करते हुए चीजों को चलता है, मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, तो कम संसाधन में अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो जिससे एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हो रहा है और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस कारण से दोनों मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, जो एक अधिकतम समृद्धि है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी की जो हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको दोनों अचीव कर पा रहे हैं।
क्योंकि एम्प्लॉयर को एक सही टाइम पे सही बजट पे प्रोडक्शन मिल रहा है और एम्प्लॉय को एक सही मतलब उसको सैलरी मिल रही है। एम्प्लॉय क्या चाहता है, सैलरी चाहता है, थोड़ा बहुत लीव चाहता है, तो उसको ये दोनों चीजें मिल रही है, तो दोनों को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी अचीव हो रही है। कमिंग विद द फोर्थ ऑब्जेक्टिव दैट ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, मानव सुधार और सामाजिक न्याय। तो ये इसे हम कैसे अचीव करते हैं? ह्यूमन बेटरमेंट क्या होता है, हम जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये हम धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं। हम जिस जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ की सोसाइटी अच्छी हो, हमारे आसपास के लोग अच्छे हो, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छे एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छे मेडिकल फैसिलिटी मिले, ये हमारे ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस होता है। तो ये सब हम कैसे प्राप्त करते हैं, वही जब अभी हमें मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों को मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, तो ह्यूमन बेटरमेंट मानव सुधार की हम बात करते हैं। हम मैस्लो की हायरार्की होती है कि सबसे पहले हम जो हमारी बेसिक नीड होती है हम उसको पूरा करते हैं, फिर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद हम सोसाइटी की ओर जाते हैं, अफिलिएशन की ओर जाते हैं। तो जब हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है तो हम बेटरमेंट और सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं। ह्यूमन बेटरमेंट और सोशल जस्टिस कैसा होगा, हमारे पास प्रॉपर वर्क है, हम प्रॉपर काम करके दे रहे हैं, हमारी सोसाइटी अच्छी है, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी सोसाइटी मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो और ये सभी चीजें अच्छी हो रही है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो सोशल जस्टिस है, जो ह्यूमन बेटरमेंट है, वो ऑटोमेटिक हम अचीव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे मैनेजमेंट के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको अचीव करना ही पूरे जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, हम इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर, मतलब हमारा जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो किस किस स्तर पर हम मैनेजमेंट करते हैं, तो देखा जाए तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन प्रकार के लेवल होते हैं। अब ये तीन प्रकार के लेवल, चाहे वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन लेवल होते हैं और तीनों लेवल में मैनेजमेंट ये होता है। तो तीन लेवल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला लेवल होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट, और फिर आता है हमारा लोअर या ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये तीन मैनेजमेंट होते हैं, तीन लेवल की हम बात कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जो अब टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें तो टॉप मैनेजमेंट कौन आएंगे, तो टॉप मैनेजमेंट होते हैं हमारे जो फाउंडर मेंबर होते हैं। फाउंडर मेंबर मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं, हम ये बोल सकते हैं कंपनी के मालिक टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इसमें अब हमारे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि हमारे कंपनी के मतलब सबसे टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, सबसे उच्चतम स्तर पे जो बैठे हुए हैं, जो कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं, ये हम बोल सकते हैं टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजर लेवल के होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब हमारे मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा लोअर मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सब लोग आते हैं, सेल्समैन, वर्कफोर्स, ये सब भी हमारा ये लोअर मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें तो टॉप मैनेजमेंट में ये तीनों हम लेवल, ये मैनेजमेंट के ही लेवल है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में जो वर्क होता है, ये किस प्रकार की चीजों को मैनेज करते हैं, तो ये कंपनी की पॉलिसी बनाना, विजन बनाना, मिशन बनाना, रिसोर्सेस कलेक्ट करना, ये सारे काम हमारे टॉप मैनेजमेंट के होते हैं। यदि टॉप मैनेजमेंट का गोल ये है, टॉप मैनेजमेंट किसी प्रोडक्शन में है और उसे एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कराना है, तो जो भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो हमें प्रोवाइड कराएगा, टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो टॉप मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जब तक वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि हमेशा लॉन्ग टर्म में होंगे। टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनके डिसीजन कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक लंबे समय के लिए इफेक्ट करते हैं। अब यदि जो डिसीजन है वो अच्छा हुआ तो सभी को लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा, यदि गलत डिसीजन ले लिया तो सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक के लिए उसका घाटा सहना पड़ सकता है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के होते हैं जो, अब जो लोअर मैनेजमेंट है, अब यदि जैसे हम पॉलिसी की हम बात करें तो टॉप मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, जो भी यहाँ पे पॉलिसी बनी हो, टॉप मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, जो विजन है, मिशन है, या जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है जो ये जो टॉप मैनेजमेंट है और ये जो लोअर मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच लिंक
का काम करता है मिडिल मैनेजमेंट। जो भी यहाँ पे नियम बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाए जा रही है, मिडिल मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि वो सभी पॉलिसी का, ये जो स्तर पे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे सुपरवाइजर, फोरमैन, सेल्समैन इस प्रकार के होते हैं। मेजरली वर्क देखा जाए ऑपरेशन जो भी कंपनी के मेन काम होते हैं ना, यदि कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही, मोबाइल बना रही, तो मोबाइल को बेचेगा कौन? ये लोअर मैनेजमेंट, जो सेल्समैन वहां पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे जाके काम करता है। तो देखा जाए तो मेन वर्क यहाँ पे होता है। तो जो मिडिल मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच एक लिंक का काम करता है। इससे जो भी रिसोर्स यहाँ पे इन्होंने रिसोर्स लाया हुआ है, उस रिसोर्स को कैसे इक्वल रूप में एलोकेट करना है, कैसे इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मिडिल मैनेजमेंट देखता है। तो कंट्रोलिंग का काम, प्लानिंग का काम, ये सब हमारा मिडिल मैनेजमेंट करता है, और लोअर मैनेजमेंट सारे एक्सक्यूशन का काम करता है। जो भी हमारे पास पॉलिसी है, जो भी मेरे पे टारगेट आया हुआ है, तो टारगेट को कैसे अचीव करना है उसकी प्लानिंग मिडिल मैनेजमेंट करेगा, बट एक्चुअल में काम क्या करना है, काम हमारा लोअर मैनेजमेंट करेगा। जो भी हमारे बताएंगे कि किस प्रकार के सेल्स करना है, जो भी प्रमोशन देना है, जो भी ऑपरेशनल वर्क जो है हमारा लोअर मैनेजमेंट करता है। तो इस प्रकार से तीन मैनेजमेंट होते हैं, तीनों मैनेजमेंट में इस प्रकार से अलग अलग अथॉरिटीज होती है, अलग अलग काम होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमने डायग्राम लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, इसमें अथॉरिटी की जो एरो है वो नीचे की ओर जा रही है। तो अथॉरिटी क्या होती है, जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी कहाँ पे होगी, टॉप मैनेजमेंट में होगी। टॉप में जो बैठे हुए उनको अथॉरिटी ज्यादा होगी, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं, सबसे ज्यादा पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होगी। हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारी पावर, हमारी अथॉरिटी कम होते जाएगी। टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, सबसे ज्यादा पावर है। मिडिल मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट के कंपेरिजन में इसके बाद पावर और अथॉरिटी कम होगी, लोअर मैनेजमेंट में और कम होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आप ये देखेंगे दूसरा जो ग्राफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही, बढ़ते जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, हमारे लोअर मैनेजमेंट के पास है। इसके पास डे टू डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली बेस पे काम करेंगे, डेली बेस पे इन्हें आना पड़ता है, डेली बेस पे प्रोडक्शन करना होता है। यदि हम मिडिल मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये प्लान करते हैं। प्लान क्या हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, 6 मंथ के लिए हो सकता है, 1 ईयर के लिए हो सकता है। और हम टॉप मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये लॉन्ग रन के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लॉन्ग रन में जो भी हमारा विजन है, मिशन है, टारगेट है, हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो जिस अथॉरिटी हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो अथॉरिटी यहाँ पे कम हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है। तो हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंधन के स्तर है। तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के महत्व, तो मैनेजमेंट का महत्व सबसे पहला है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था के लिए होता है। तो जब हम गोल की हम बात करते हैं, तो गोल अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, जो भी संस्था से जुड़े हुए, वो किसी एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, और कई सारे एक गोल के लिए कई सारे छोटे छोटे गोल भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट उन सभी गोल को अचीव करने में, उन सभी के एम को अचीव करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यह समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जितने भी लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टीम से जुड़े हुए हैं, उनके जो भी लक्ष्य हैं उनको आपस में अचीव करने में हमारी मदद करता है मैनेजमेंट। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का इष्टतम उपयोग। अब यहाँ पे जब भी मैंने कल भी बोला था कि जहां पे भी रिसोर्सेज आएंगे वहां पे ऑटोमेटिक एक टर्म जुड़ जाती है, लिमिटेड। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जितने भी संसाधन है वो एक लिमिटेड है। तो लिमिटेड यदि रिसोर्सेज है, तो जब यदि हम उसका ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसका ऐसा उपयोग नहीं कर, मतलब इस तरह से उपयोग कर लेना कि उसके बाद उसमें कुछ भी, मतलब हमने इतने अच्छे तरीके से प्रयोग कर लिया कि उसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया, तो दैट इज द ऑप्टिमम लेवल। तो जितने भी रिसोर्सेज है उसका इस तरीके से उपयोग करना ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि यदि हमने आधा उपयोग किया और आधा उसको ऐसे ही फेंक दिया, तो हम संसाधन को बेकार कर रहे हैं। संसाधन ऑलरेडी लिमिटेड है, हम उसको और ज्यादा खत्म कर रहे हैं, जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, हम जितने प्रकार के हमारे प्रोडक्शन है, हमारे जो 5M है, जितने प्रकार के रिसोर्सेज है, हम उनका इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है और जो सोसाइटी है उसको इक्वल रूप में हम उसको कंट्रीब्यूट कर पाए। तीसरा है रिड्यूस कॉस्ट, हम जब ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके हम रिसोर्सेस का उपयोग करें तो ऑटोमेटिक जो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं कम लागत पर।
हम लागत कम ले रहे हैं और हम प्रोडक्शन ज्यादा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारी जब लागत कम आएगी तो हमारा जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है, वो ऑटोमेटिक सबको एक सुचार एक हैप्पीनेस, एक जो प्रोस्पेरिटी है, वो दोनों हम अचीव कर पाएंगे। फोर्थ इज एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, सुचारू संगठन की स्थापना करता है। सुचारू संगठन क्या है, मैनेजमेंट के द्वारा हम सबसे पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि कौन किस लेवल पे काम कर रहा है। इस समय देखकर 3 लेवल है, टॉप मिडिल और लोअर। तो टॉप टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ है, मिडिल लेवल पे बैठा हुआ है, और जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्गेनाइज करेगा, कौन किसको ट्रेनिंग देगा, ये सारी चीजें यदि सुचारू है। एक पर्सन को एक व्यक्ति ही ऑर्डर दे रहा है, एक व्यक्ति को एक जगह से ही ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, सुचारू संगठन। सबको पता है कि क्या काम करना है, किसके अंडर कौन है, और किसको हमें रिपोर्ट करना है, किस प्रकार से काम होगा। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट के द्वारा हम इन सभी चीजों को फिक्स कर देते हैं, जिससे सभी लोग एक अच्छे तरीके से काम करने का जो एनवायरमेंट है वो होता है, और सभी हैप्पीली काम करते हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की स्थिति। तो इक्विलिब्रियम मतलब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जिसको जो टास्क दिया गया है, जिसका जो भी काम दिया गया है, वो आप अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, कोई किसी के काम को बिगाड़ नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। सब लोग एक जो भी लेवल दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, उसको आप अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हमारा काम दे रहे हैं, और हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसको भी हम इक्वल टाइम दे रहे हैं। इस प्रकार से हम हमारी जो लाइफ है और जो हमारा जो वर्क है, उसमें इक्विलिब्रियम या फिर हमारे संतुलन की स्थापना हम कर पाते हैं। द लास्ट वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। सब चीजें अच्छे से मैनेज हो रही है, हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे भी जो ग्रुप है उसमें हमारा अच्छा, उसमें हम काम कर रहे हैं, हमारे पास टीम है, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे समृद्धि की ओर जाएगी, उसमें समृद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि इससे पहले जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तो वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों दोनों खुश हैं, और उसके बाद हम आगे बात करें सिक्योरिटी के बाद हम सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक जब सारी चीजें हम धीरे धीरे करके अचीव कर रहे हैं, तो सोसाइटी में ऑटोमेटिक क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो इस प्रकार से एक मैनेजमेंट होने से ये सारी चीजें हमारे ऑटोमेटिक स्टेबलिश हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे मैनेजमेंट के आगे के सिलेबस के लिए। ये हमारा मैनेजमेंट का दूसरा वीडियो था। तो इस प्रकार से हमने धीरे धीरे करके हम पूरे पॉइंट कवर करने वाले हैं, और अभी शायद मैं कुछ दिनों में शायद कल या दूसरे और वीडियो में पिछले मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो कि अदर एग्जाम में पूछे गए, वो मैं आपके साथ लाने वाला हूँ, ताकि एक आपको आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैनेजमेंट से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।